तो क्या चल रहे हैं आप लोग? जी टी ए 5 में आ चुके हैं एक बार फिर से। पहले सॉरी करना चाहता हूं कि बहुत दिन वीडियो नहीं आई, उसकी वजह यह थी कि मुझे हो गया था कोल्ड और साथ में फीवर। भाई कोल्ड ये गर्मियों में कैसे हो जाता है कुछ पता नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है। इसका नाम कोल्ड है लेकिन ये गर्मियों में भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नहा रहा है और इसको बहुत ही खुशी है आज। क्यों भाई, किस बात की खुशी आज? इसको इस बात की खुशी है क्योंकि ये अपनी आज कार लेने वाला है। यस, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि थोड़ी सी लड़ाई हुई थी और बस बाद में जो है उसके पैसे दे दिए थे, माइकल के पैसे उसको दे दिए थे और माइकल के घर में हमने देख ली थी गाड़ी GLI। तो भाई इसको भी शौक चढ़ गया कि भाई मैं भी लूँगा कोई कार। तो पहले तो इसके पास पैसे थे नहीं, तो अभी जो है ना इसने थोड़ा काम धंधा करके, आपको पता है कि कैब की कंपनी इसकी फ्रैंकलिन की है, ठीक है, तो वहाँ से पैसे जमा कर लिए इसने। और अभी नहाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं $2,00,000 हमारे पास मौजूद है, मतलब पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपये बनते हैं, 3 करोड़ रुपये हमारे पास मौजूद है। और आज हम कोई लग्जरी कार लेने वाले, सब बोल रहे थे, मैंने पोल भी डाली थी कि भाई कौन सी कार लें, सब बोल रहे थे भाई V8 ले लो। तो अभी चलेंगे सिमियन के कार गैराज में और वहाँ पर V8 खरीदने वाले हैं भाई आज, ठीक है। तो भाई फ्रैंकलिन के पास कोई कार नहीं है, आपको जैसा कि पता है कि मेरी बाइक और कार पुलिस वाले ले गए थे, पहले कैस लग चुके थे तो इसीलिए भाई पुलिस वाले ले गए, अब वो वापस देंगे नहीं तो हमें दूसरी कार खरीदनी पड़ेगी। तो अभी सिमियन के गैराज में जाने के लिए हमें टैक्सी को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्सी बुला लेते हैं भाई पहले। भाई ये हमारी कंपनी है, ये डाउनटाउन कैब को ये पैसे नहीं लेते भाई मुझसे, भाई आजा जल्दी यार, पता नहीं किधर रह गया, देखते हैं जल्दी आजा, मेरे पास कार भी नहीं है यार, देख टैक्सी में जाना पड़ रहा है, कैसे दिन आ गए यार ये देखो। ओ भाई अबे इधर आजा, इधर क्या हो रहा है, वो देख छांव में खड़ी की है भाई, क्या बात है, अभी जाएंगे सिमियन कार गैराज में ले जा यार। ओके यस भाई, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं आज, बहुत ही। ओके हम आ चुके हैं, थैंक यू, हमसे पैसे नहीं लिए इसने। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली और ये देख रहे हैं आप सिमियन के कार गैराज, और यहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी है भाई, क्या बात है भाई, आज कार खरीदने वाले फ्रैंकलिन के लिए, क्या बात है। यस ओह क्या बात है यार, ये आप देख रहे हैं यार, ओके टोयोटा CHR, क्या बात है। ओ भाई साहब, ओ भाई मेरा दिल जा रहा है, ओए होए क्या बात है। लेकिन ये तो नहीं लेने वाले हम V8 ही लेंगे भाई, V8 देखते हैं कहाँ पर है। ओके ये रही V8, हम ये लेने वाले हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर में यार, कोई और कलर नहीं है क्या, कोई और कलर नहीं है। हेलो वाह क्या बात है यार, ये हम आज लेने वाले हैं, दूसरी देख लेते हैं, शायद दूसरी कोई पसंद आ जाए भाई ये। ओके ये कौन सी है, ओके टोयोटा फॉर्चुनर है ये ब्लैक कलर में, होंडा सिविक खड़ी है और यह है GLI, ठीक है। वहाँ पर कौन सी है, अरे भाई ये क्या कर रहा है भाई, ओके लेक्सस है ये, लेक्सस खड़ी है और ये भी फॉर्चुनर है, ये वाइट कलर में है भाई, लेकिन भाई मुझे V8 वाइट कलर में चाहिए, वाइट कलर में मुझे लगता है अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, नहीं तो बस एक ही खड़ी है भाई ये V8, ये ब्लैक कलर में, यही लेनी पड़ेगी हमें भाई। सिमियन से बात कर लेते हैं, ऑफिस में बैठा होगा वो। भाई सिमियन अरे इधर आजा, कस्टमर आया कि इधर छुप के बैठा है तू। ओके ये रहा भाई, ऐसे हम कार लेने वाले हैं भाई, पैसे काट लेगा ये, चलो भाई भाई साहब। ओ भाई $1,70,000 काट लिया इसने, मतलब पाकिस्तानी करीब 2.5 लाख रुपए बनते हैं, तो इसने काट लिया। मेरे पास अभी बाकी सिर्फ $30,000 बचे हैं, सिर्फ 30,000। यस ये देख रहे हैं आप, ये क्या है भाई, ये लाल पीली कौन सी गाड़ी है, अरे क्या बेकार गाड़ी है यार, हम तो V8 लेने वाले हैं भाई, V8 ले लिए, पैसे काट लिए उसने सिमियन ने, अब हम ये ले जाएंगे, यहाँ से हम ये ड्राइव करके ले जाएंगे भाई ये है। ओके अंदर बैठ जाते हैं भाई, ओके भाई साहब अंदर बैठ गए। ओ भाई रेडियो बंद कर ले, कॉपीराइट आ जाएगा, अभी बंद कर। ओके यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से, मुझे लगता है यहाँ से नहीं निकलेगी, देख लेते हैं, ओ ठुकेगी भाई। ओके नहीं हो सकता भाई, ये ठुकेगी आगे, तो इसलिए रुक जाओ, एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, पहले मुझे लगता है ये CHR को आगे करना पड़ेगा, रुक जाओ भाई
बिना परमिशन के कर रहे हैं भाई। चलो कोई बात नहीं है, इसको आगे कर लेते हैं। ए, बंद कर, इसको आगे कर लेते हैं। ओके भाई, अबे गलत है भाई, यहीं से तो आएगी वो, थोड़ा और आगे बस। तो अभी निकालने वाले हैं भाई उसको। यस, चलो भाई V8 में बैठ जाते हैं भाई। ये V8 स्वैग वाली गाड़ी, हम ये ड्राइव टेस्ट करने वाला हूँ इसको हाईवे पे। पहले निकाल लेते हैं भाई, और इसको वापस खड़ी करनी पड़ेगी हमें। चलो भाई, सिमोन समझेगा भाई, दोनों नहीं ले जा रहे भाई, CCTV कैमरा लगे भाई। ओके, ठुकनी नहीं चाहिए बस ये, वरना और पैसे काट लेगा हमसे। आराम से भाई, डोर बंद हो जा यार। ओ भाई, क्या बात है, फिसल रही थी अभी। ओके, इसको लगा लेते हैं। चलो भाई, ये हो गया भाई, ठीक है, अलाफिज, हम ले जाने अपनी गाड़ी। वाह क्या बात है, फ्रैंकलिन ने आखिरकार, फाइनली फ्रैंकलिन ने न्यू गाड़ी ले ली अपनी, क्या बात है। टेस्ट ड्राइव करेंगे भाई हाईवे पे जाके, और पहले ये नंबर प्लेट चेंज कर लेंगे हम। ये देख रहे हो, ये नंबर लिखा है, इसकी जगह हम ये नाम लिखवा लेंगे, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो अभी हाईवे पे जाएंगे और वहाँ पर टेस्ट ड्राइव करेंगे भाई फास्ट, देखते हैं स्पीड की। ओके, हाईवे पे आ चुके हैं हम, और स्पोर्ट मोड में डाल लिया हमने कार को, और अभी देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। स्पोर्ट मोड में चल रही है, देख रहे हो आप। ओके, मुझे डर है कहीं ठुक ना जाइए, आराम से चलते हैं भाई। कोई बात नहीं है। यस, ओके, ये आप देख रहे हैं भाई स्पीड। ओके, आराम से। ओके, फुल स्पीड मारते हैं भाई, ये आप देख रहे हैं भाई। ओए होए, क्या स्पीड है यार, क्या स्पीड है, 250 तक जा रही है स्पीड, तकरीबन 250 तक जा रही है भाई स्पीड स्पोर्ट मोड में। भाई साहब, ये आगे आ जाते हैं भाई, मज़ा ख़राब कर देते हैं भाई, रुक जाओ। स्पोर्ट मोड में चल रही है, और आप देख रहे हैं भाई स्पीड इसकी, 250 तक जा रही है। यस, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये पुलिस ना रोक ले हमें भाई, स्पीड मार रहे हैं वो भी हाईवे पे, ठीक है। यहाँ पर मोटर पुलिस होती है भाई, मुझे डर लग रहा है अभी। आराम से मोड़ने पे। ओए भाई, आराम से, अबे हट जा, रास्ता दे दे, गाली दे रहा है भाई। ओके, आराम से भाई, अभी लिया भाई, ठोकना नहीं चाहता मैं। स्पीड देख रहे हो भाई कितनी जा रही है। ओ, आगे यू टर्न है। ओए पकल, अंधा है क्या, अबे अंधे तो हम हैं, वो कैसे अंधा है भाई, उसने थोड़ी ठोकी है। चलो स्पीड मारते हैं, ये सामने कोई मत आना, बता रहा हूँ, तो सामने गाड़ी जा रही है भाई। भाई सिंगल रोड है, डबल ट्रैफिक है भाई, आराम से चलाना पड़ेगा। ओके, अभी देख रहे हैं आप स्पीड, ये बात, 250 तक है भाई फुल, क्या बात है यार, क्या स्पीड है। स्पीड मारते हुए जा रहे हैं, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है, हम ट्रेवर के पास जा रहे हैं इसको गाड़ी दिखाने भाई, हमने न्यू गाड़ी ली है भाई, दोस्तों को तो दिखाना चाहिए है ना। अभी ट्रेवर के पास जाएंगे और इसको ये गाड़ी दिखाएंगे, हम सरप्राइज देने वाले भाई उसको आज, थोड़ी बहुत राइड भी करवाएंगे ट्रेवर को, और देखेंगे भाई उसका हाल चाल कैसा है। अभी जा रहे हैं ट्रेवर के पास हम, वैसे भी हाईवे पे तो आ चुके हैं भाई, ट्रेवर से मिलते हुए जाते हैं। चलो भाई साहब, फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं, ड्राइवर को बताएंगे भाई न्यू गाड़ी ले ली हमने, जलन तो होगी उसको लेकिन भाई बर्दाश्त कर लेगा वो बंदा। अबे मर गए यार, ये कहाँ खड़े हो जाते हैं, ये देख
San Andreas Highway Patrol, stop your car. ले भाई, मर गए। मुझे पहले ही डर लग रहा था ये मोटरवे पुलिस वाले होंगे यहाँ पर। हाँ बस हो गए चालान। अबे आ जाना भाई साहब, किधर रह गया, क्या कर रहे? आ रहा है भाई, आ रहा है। वो भाई साहब चालान लगा देगा अभी, देखना अब लेक्चर सुनाएगा हमें। लेक्चर देने आ रहा है, देखना जरा। हेलो ऑफिसर, एक्सक्यूज मी, देयर इज नो रीजन फॉर दैट स्पीड। ओके, आई माइट सीम अपसेट, बट इट्स cuz आई एम प्रीटी टिक्ड ऑफ अबाउट यू ड्राइविंग। चालान भी काट रहा है, ऊपर से लेक्चर भी दे रहा है इतनी देर से यार। योर लाइफ एंड एवरीवन एल्सेस। सो And even if you hit someone in the back, they're doing 75, you're doing 120. You hit them in the back, you could kill someone just from rear-ending them. अरे आइंदा आराम से चलाएंगे भाई साहब, माफ कर दे। Okay. 250 का चालान लगा के चला गया, देख रही हो? देख रही हो कैसे जा रहा है? भाई अभी बैंक में जाना पड़ेगा हमें, ये चालान पे करना है अभी। इधर मर गए यार, बैंक पे जा रहे हैं अभी। बैंक पर जा रहे हैं, 250 का चालान लगा है भाई, ये पे करने जा रहे हैं हम। यही का ही बैंक है, यही की होनी चाहिए भाई। ओके यही है, यही बैंक, यहाँ पे खड़ी करते भाई। अबे चल भी। ओके खड़ी करते आराम से। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, देख रहे हो? हेलो भाई साहब, क्या हाल है, क्या कर रहा है? चलो भाई अंदर जाते हैं भाई। अरे भाई साहब चालान लगा दिया भाई पुलिस वाले ने, पे करना है हमें। पैसे ले ले हमसे। ठीक है भाई, पे हो चुका है। भाई साहब को बाय बाय करते हैं, अभी चलते हैं ड्राइवर के पास। अभी मैं स्पीड नहीं लगाऊंगा भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, ये स्पोर्ट में मराता रहता है हर जगह, स्पोर्ट पे नहीं लगाऊंगा अभी मैं, सिंपल चलते हैं बस। अभी नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे भाई, कैसे ना वो फिर से चालान लगा देंगे मैं। ओके चलो भाई, ड्राइवर के पास जा रहे हैं अभी हम, और बस सामने ही है। 100 की स्पीड पे जा रहे हैं भाई, ज़्यादा नहीं करूँगा स्पीड में, इतनी बहुत है। अभी देखते हैं ड्राइवर का रिएक्शन, देखते हैं ड्राइवर क्या कहता है हमें। ब्रदर देख रहे हो, शरीफों वाली ड्राइव। ओके ओके ओके, बस सामने ही है, यही रोड जाती है ड्राइवर के पास। सामने से हमें राइट जाना है, सामने से हमें राइट जाना पड़ेगा। चलो ये हो गया। अबे कौन हो तुम लोग, अबे एम कर रहे हैं मुझ पर। अरे क्या है भाई साहब, अरे क्या है, नहीं ओ भाई फायरिंग कर रहे हैं हम पर यार, क्या हो गया, नहीं दूंगा ये। भाई साहब कह रहे हैं गाड़ी दे दे हमें, अरे चोरी की गाड़ी है, तुम्हें दे दूं मैं। पैसे पे किए हमने यार, भाई साहब ओ भाई ये गाड़ी छीनना चाहते हैं हमसे। अरे ऐसे कैसे यार, मार दूंगा एक को मैं, एक तो गन भी मेरे पास एक ही है ये। अबे क्या पिचकारी मार रहा हूँ यार, नहीं लेने दूंगा बता रहा हूँ, नहीं मिलेगी गाड़ी, नहीं मिलेगी, चोर कहीं के। ओ भाई अरे क्या करूं मैं, अरे रेंज ही नहीं है पिस्टल की तो। रुक जा। अबे मर जाओ यार, ओए अबे क्या हो गया इसको। अरे भाई साहब, अरे नहीं यार वो आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं यार। यार ये लड़की यहीं पर आ रही है। ओ भाई साहब नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, अभी ली हमने गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता यार, कार चोरी कर रहे मेरी।
इसकी तो भाई इन्होंने तो मौज ही कर दी यार, कार ले जा रहे हैं हमारी। वो देखो आधी गायब हो गई। अरे उठ जा फ्रैंकलिन, क्या हो गया तुझे? वो देख कार ले जा रहे हैं यार, अब क्या करूं? अरे वो चले गए। इसे किसे ले जा सकते हैं भाई? अबे अबे स्विच हो गया ये। अरे एक मिनट, अबे सामने ही रहता है ये अभी आ रहा है ये देख। अबे भाई साहब इसको साइड करना पड़ेगा फ्रैंकलिन को, रुक जाओ भाई, जख्मी हो गया ये, साइड कर लिया फ्रैंकलिन को, अभी फ़ोन करनी पड़ेगी मुझे, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी भाई जल्दी से, क्योंकि ये इंजर्ड है भाई। फ़ोन करते हैं, फ़ोन लगाते हैं भाई, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, मर रहा है फ्रैंकलिन, मर रहा है। Hello, this is 911. What emergency service do you require? अरे एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी कर। Thank you. Paramedics are en route to your current location. जल्दी करो यार, इतनी देर लगा दी अभी आ रही है। वह भाई साहब जल्दी आ जाओ यार, वो देख कितनी इज्जत से आ रहे हैं यार, कितनी इज्जत से आ रहे हैं, देख रहे हो? कोई टेंशन ही नहीं है, आराम आराम से आएंगे हम तो, आराम आराम से आएंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आ गए बाराती आ गए, ढोल बजाओ अभी। अबे जल्दी करो, साइड में लगाओ, साइड में लगा ले। ये भाई साहब चेक कर रहे हैं पैरामेडिक, और ये कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि भाई बहुत ही इंजर्ड है फ्रैंकलिन, बहुत ही गोलियां लगी है भाई, तो ये हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इसको, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता भाई, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं भाई, ये फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं भाई, बहुत ही इंजर्ड है भाई ये। गई ले गई फ्रैंकलिन ले, और गाड़ी भी चली गई। और आपको पता है ये कौन थे जो गाड़ी ले गए हमारी? वो थे बाइकर्स, और इसको ये जो है ना ट्रेवर अच्छे से जानता है बाइकर्स को, बहुत ही बड़े दुश्मन है इसके ट्रेवर के, तो इसको पता ही ये कहाँ रहते हैं। और अभी हमें गाड़ी वापस चाहिए भाई फ्रैंकलिन की, हम वापस दिलवा के रहेंगे उसकी गाड़ी भाई, अभी धुलाई लगाएंगे, रुक जाओ। इसको पता है लोकेशन ऑलरेडी, बाइकर के पास हम जाएंगे, और पहले देख लेते हैं ये बेड कहाँ रह गया, बेड। अरे किधर रह गया भाई तू, इसको ले जाना पड़ेगा साथ यार, एक से भले दो, दो से भले तीन, ये आपको पता होगा। अबे किधर चला गया, यहीं तो था ये, अंदर तो नहीं है? नहीं अंदर भी नहीं है ये। अबे आजा, ओके ये रहा, अबे क्या कर रही है? अबे इधर आजा, गाड़ी चोरी हो गई, फ्रैंकलिन मर गया, मतलब जख्मी हो गया, तू किधर है? आजा जल्दी कर, मेरे साथ आजा इधर, जल्दी चलना पड़ेगा, बाइकर्स की धुलाई करेंगे आज, रुक जाओ। लोकेशन वगैरह सब कुछ पता है ट्रेवर को ऑलरेडी, अभी बताऊंगा इसको कैसे चोरी करते हैं कुत्ते कहीं के, कोई बच्चे का खिलौना नहीं है ये जो चोरी करते हैं ये, अभी बताऊंगा इसको, रुक जाओ। अभी जाएंगे भाई बाइकर्स की लोकेशन पे, रुक जाओ। अबे तुम लोग बाइक में ही अच्छे लगते हो, गाड़ी में अच्छे नहीं लगते हो, गाड़ी चलाते हुए बाइक चलाते हुए अच्छे लगते हो तुम लोग, जब तुम्हारा नाम ही बाइकर्स है तो गाड़ी की क्या जरूरत है? हैं? मैं सही तो बोल रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ मैं, रुक जाओ, अभी बताऊंगा इसको कैसे चोरी करते हैं कुत्ते, ठीक है? वापस दिलवा के रहेंगे हम गाड़ी भाई, ऐसे थोड़ी है, बहुत मेहनत की है भाई फ्रैंकलिन ने, आराम के पैसे थोड़ी है, पहुँचने वाले हैं बस, हम आ चुके हैं भाई। ओके यहीं कहीं है ये, यही लोकेशन है, यही लोकेशन है, और ये खड़ा है कुत्ता, एक खड़ा है, इसको बताऊंगा अभी कैसे चोरी करते हैं। अबे है चमचे, चमचे गाड़ी की, गाड़ी निकाल, इसकी लीटर किधर चली गई वो लड़की जो ले गई थी कार, अभी बताऊंगा उसको, रुक जाओ। लीटर के बच्चे अभी बताऊंगा तुझे, रुक जा। ओके बाहर निकलो यार तुम लोग, ओके
ओके यही कहीं होंगे। आराम से वेट घूम फिर के जा रहा है। वेट तू घूम फिर के जा, चल। ए, तेरी तो ये तक कितने आ रहे हैं? ओके बॉय स्टॉप, इतने सारे कैसे आ गए? अबे मर जा, गाड़ी निकाल बाहर। अबे क्या हो गया, गन तो ले ले भाई। भाई साहब बहुत सारे आ रहे हैं भाई अंदर। बैठ गेट गया भाई, बैट घूम फिर के चला गया। अबे तेरी तो, अबे मर जा तू, मर जा भाई तू, मर जा। इतनी गोलियां खाएगा भाई तू। किधर चली गई ये लीडर, किधर चली गई ये? तक टकले कहीं के। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, रुक जाओ। बंदों को टपकाते हैं और ढूंढते हैं भाई गाड़ी किधर है। फ्रैंकलिन की गाड़ी किधर चली गई बताऊंगा मैं। अरे किधर है? ओए ये देख, हमारा इंतजार कर रहा था कैंपिंग करके, क्या बात है। ये और भी फायरिंग हो रही है भाई, मुझे लगता है बेड पे फायरिंग हो रही है। अबे मर गंजे। किधर चला गया? ओए हट लंगड़े हट, पीछे से आ गए वो भाई, पीछे से आ गए। ओके ये रहे, बाइक लेकर आए भाई। किधर चली गई कार? अबे बेच तो नहीं थी कहीं? मुझे लगता है बेच दी। जाओ देखते हैं भाई, और भी हैं यहाँ पर, फायरिंग हो रही है। भाई सामने आ जा, देख रहे हो फायरिंग हो रही है। ओके उस साइड बंदा है। आराम से छुप के मारते हैं इसको। ओए ये देख, ये टकला। अबे मर। कौन है? और ये देख, मर। ओके भाई कितनी गोलियां खा रहे हैं, देख रहे हो भाई? कार खड़ी है, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर है। ओके रुक जाओ, यहाँ पर कोई है। ओके सरेंडर कर लिया भाई इसने। हाँ बता कैसे चोरी करते हैं, बता। सारे बंदे मार दिए ये देख। अबे वेट किधर चला गया? अबे भाग गया क्या? चल तू गाड़ी में बैठ, चल अब इसको ले जाएंगे हम फ्रैंकलिन के पास। अब जैसे वो बोलेगा ना वैसे मारेंगे इसको, रुक जाओ। ये देख कैसे आ रही है अभी चूहे की तरह, अभी कैसे चोरी करते हैं बताऊं? इसको ले जाएंगे हम, ये देख रहे हो ये फ्रैंकलिन की कार है, ले जाएंगे इसको वहीं पर। बस उम्मीद करते हैं कोई बंदे ना आ जाए इसके। भाई लीडर को ले जा रहे हैं हम, रुक जाओ। गाड़ी वापस देने जा रहे हैं और इसको
ठिकाने भी लगाने जा रहे हैं भाई, उसके साथ ही मारूंगा इसको। ओबे भाई हमारा पीछा कर रहा था ये पुलिस से भागा है ये भाई, सब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, रुक जाओ। ये पहले हमारा पीछा कर रहा था, रुक जाओ, तेरी तो कितनी स्पीड लगा रहा है, डरपोक कहीं का, रुक, तेरी लीडर को ले जा रहा हूँ देख। बे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पागलों की तरह मैं क्या कर रहा हूँ यार, जब ऐसे हो सकता है काम, जब ऐसे हो सकता है काम तो ये पागलों की तरह क्या कर रहा हूँ मैं। वाह ठिकाने लगा दिया भाई, चलो। ओबे इसके बंदे आ रहे हैं भाई, लीडर को बचाने आ रहे हैं अपनी, देख रहे हो। अबे चल कुत्ते पीछे लगता है, कुत्तों की तरह पीछे लगता है। हाल क्या कर दिया भाई गाड़ी का। ओ भाई सब डूब गई। अरे यार इसकी तो ऐसी की वैसी, रुक जाओ अभी इसको बताता हूँ यार, पूरी कपाड़ा कर दिया गाड़ी। निकल भाई तू, रुक जा। अबे अभी अभी भी नहीं मरा, अभी भी नहीं मरा तू, रुक जा अभी बताता हूँ तेरे को कैसे मरते हैं, रुक। ये ले ये ले ये ले ये ले, मर मर, इतनी काफी है या और मारूं तेरे को। ये देख क्या हाल कर दिया यार गाड़ी का, वो क्या कहेगा यार, उसको क्या जवाब देंगे हम, इस पे इल्ज़ाम लगा दूंगा भाई, मैंने कहा भाई इस लड़की ने किया है सब कुछ, मैं ऐसे ही बोलूंगा भाई उसको। आ गए भाई फ्रैंकलिन के पास और इसको लड़की को भी ले जा रहे हैं, गाड़ी वापस देंगे उसको, और देख सकते हो आप कैसी कबाड़ा हो चुकी है ये, और ये बताएंगे रहा। रुक जाओ, ये आ गए भाई फ्रैंकलिन के पास, ये लो खड़ी कर लेते हैं भाई, चल यहीं पर रुक तू, मैं उसे मिल के आता हूँ, रुक जा यहीं पर रुक। ओके बैठी है, मुझे शक हो रहा है भाई ये कहीं भाग ना जाए। ओके जल्दी से बुला लेते हैं भाई फ्रैंकलिन को, यहीं पर होगा। अरे किधर है क्या फ्रैंकलिन, अरे आ जा तेरी गाड़ी लेके आ गए हम, ये देख हॉस्पिटल से यहाँ पर आया भाई, आ जा इसको गाड़ी दिखाते हैं अभी, आ जाना, चोर को भी लेके आए साथ, आ जा तुझे दिखाता हूँ। यस क्या बात है ये, अबे क्या हो गया, ओ भाई आग लगा के चली गई यार, रुक जा। अबे भाई साहब, अरे जल्दी उठा ले, this is 911, what emergency service do you require? अरे फायर चाहिए, फायर डिपार्टमेंट जल्दी कर। थैंक यू। ओ नहीं इसकी तो यार गाड़ी तबाह हो गई यार फ्रैंकलिन की यार, सॉरी यार भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई हमने। ओए क्या है, मुझे क्यों मार रहा है यार, अरे नहीं भाई मुझे मार रही है भाई, बहुत बड़ी गलती कर ली हमने, आग लगा के चली गई लड़की, रुक जा यार इसको बताऊंगा मैं कहीं पर मिली तो ये, और ये फ्रैंकलिन मुझे ही मारे जा रहा है, ये तक अभी आ रहे हैं ये फायर डिपार्टमेंट, अभी क्या करोगे आग बुझा के यार, तबाह हो गई गाड़ी तो भाई साहब। अबे मेरे पीछे पीछे आ रहा है फ्रैंकलिन यार, अरे मैंने थोड़ी की है तबाह यार, मैंने तो मदद की है तेरी, इसको नहीं मार सकता मैं, मेरे पीछे पीछे आ रहा है यार, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, पागल हो गया ये बंदा, अपने दोस्त को ही मार रहा है यार, रुक जाओ। अबे निकल तू, निकल निकल आंटी निकल, फायरिंग कर रहा है वो देख, चलते हैं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, लड़की को अकेले छोड़ दिया मैंने, वो पता नहीं किधर भाग गई यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, अपने घर जा रहे हैं ड्राइवर के घर,
और पता नहीं ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा लफड़ा हो गया और लड़की किधर चली गई आग लगा के, कुछ पता नहीं है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, फ्रैंकलिन की कार चली गई, अभी तबाह हो चुकी है और अभी क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है हमें माइकल को कॉल करनी चाहिए और उससे पूछना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन पागल हो चुका है और अपने दोस्तों को मार रहा है वो। भाई ड्राइवर ने कितनी मदद की फिर भी, अबे रुक जाओ, भाई माइकल को कॉल करनी पड़ेगी, रुक जाओ। देख रहे हो ये पागल के, कॉल कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके भाई, माइकल को कॉल कर ली हमने। माइकल कह रहा है कि भाई फ्रैंकलिन को दूसरी कार दिलवा दो अपने पैसों में, लेकिन आपको पता है कि ये भिखारी कहाँ से दिलवाने वाला है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। तो माइकल कह रहा है भाई दूसरी कार दिलवानी पड़ेगी हमें फ्रैंकलिन को, और वो मदद करेगा, माइकल मदद करने वाला है दूसरी कार दिलवाने में। और आपको पता होगा कि इसके पास पैसे नहीं होते हैं ड्राइवर के पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको पैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 1,00,000 रुपये पड़े हैं, तो भाई V8 तो नहीं आ सकती इतने पैसे में, तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई कैसे भी करके उसको कार दिलवानी पड़ेगी, क्योंकि वो पागल हो चुका है, अब हमें मारने पे तुला हुआ है वो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।